नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एस जे ट्रेडर्स में। आइए दोस्तों, देखते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने कल जो बैंक निफ्टी का लेवल दिया था उसका आज क्या हुआ। दोस्तों, मैंने कल आपको बोला था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है यानी 38,600 से लेकर 38,900 के बीच में, और उसके बाद में ये 38,600 को ब्रेक करती है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 38,400, और 38,200 सेकंड टारगेट उसका आ सकता था। दोस्तों, आप आज देखोगे कि हमने जो कल टारगेट दिए थे वो दोनों उन्होंने अचीव कर लिया। ये देखते हैं अब कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है हमारे लेवल पे, कौन सा लेवल रहेगा वो 37,900, और दूसरा लेवल रहेगा हमारा 38,150 के बीच में ओपन होती है, और उसके बाद में अगर 37,900 को ब्रेक करती है डाउन की साइड में तो उसका पहला टारगेट आएगा 37,800, दूसरा टारगेट आ सकता है 37,700, और तीसरा टारगेट भी आ सकता है 37,629। और अगर ऊपर की साइड में निकलता है 38,150 को ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आएगा 38,300, और दूसरा टारगेट भी आ सकता है 38,400। दोस्तों, कल बैंक निफ्टी ज़्यादा 200-300 पॉइंट गैप अप या गैप अप डाउन होती है तो हम थोड़ा वेट करेंगे और प्राइस एक्शन बनने देंगे। अगर प्राइस एक्शन बनने के बाद जिस तरफ वो ब्रेक करती है तब हम उसको ट्रेक कर सकते हैं 100 से 150-200 पॉइंट के बीच। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, हो सकता है कल नीचे आके ये यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकती है। उसका लेवल आएगा 37,300 के पास, इसको भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं अब निफ्टी में क्या हो सकता है। देख दोस्तों, मैंने कल आपको निफ्टी के बारे में बताया था, निफ्टी का लेवल दिया था मैंने आपको 70,450 और 70,550 के बीच में। अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद 70,450 को ब्रेक करती है तो 70,400 और 70,300 उसको टारगेट नीचे आ सकता है। वो मैंने आपको लेवल दिए थे कल, वो आज आप चेक कर सकते हो कि वो दोनों टारगेट अचीव हो गया। दोस्तों, अगर टुमोरो अगर कल निफ्टी 70,120 और 70,250 के बीच में ओपन होती है और अगर 250 को ब्रेक करती है ऊपर की साइड में, कौन सा लेवल रहेगा हमारा ये लेवल, तो वहाँ से 70,300 जा सकते हैं, और उसको भी ब्रेक करती है तो 70,400 तक जा सकती है। वैसे ही दोस्तों, अगर कल निफ्टी 70,120 ब्रेक करती है तो उसका इमीडिएट टारगेट आएगा 70,050, और उसको भी ब्रेक करती है तो सीधा टारगेट आ सकता है 16,900। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। हो सकता है वो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लगे, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से ही बनाता हूँ। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह मशवरा ज़रूर ले फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।